नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। आज बात सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वयं सहायता समूह बेहद कारगर कदम साबित हो रहा है। एक समान आय वर्ग की महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, अपना समूह बनाकर खुद का काम शुरू करती हैं और इससे जो आमदनी होती है उसमें से कुछ पैसा सभी महिलाएं बैंक में खाता खुलवाकर जमा करती हैं। और अगर इस दौरान किसी महिला को किन्हीं वजहों से पैसों की ज़रूरत होती है तो उसे सस्ते ब्याज पर समूह से पैसा उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसका लाभ ये होता है कि समूह से जुड़ी महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए या फिर घर में किसी तरह की परेशानी आने पर पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ता, यानी समूह से जुड़ी महिलाएं खुद एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाती हैं और इसीलिए इसका नाम स्वयं सहायता समूह रखा गया है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में चल रहे ऐसे सैकड़ों स्वयं सहायता समूह को बैंक और सरकार की ओर से काफ़ी मदद मिलती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसे स्वयं सहायता समूह के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आवाम से स्वरोजगार अपनाने की अपील करते नहीं थकते हैं। मनोहर लाल का मानना है कि गरीबी का खात्मा तभी संभव है जब लोग रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। गांव में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की ओर से चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की गई। गरीबी किसी अभिशाप की तरह होती है जिसके खात्मे के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रदेश से गरीबी मिटाने में स्वयं सहायता समूह बेहद मददगार साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं 10 से 12 की संख्या में एक समूह बनाकर छोटा रोजगार शुरू करते हैं और अच्छी आमदनी कर एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे स्वयं सहायता समूहों को सरकार की ओर से भी मदद मिलती है ताकि महिलाएं स्वावलंबी होकर अपने परिवार से गरीबी को मिटा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे ही स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से संवाद किया और उनके इस नेक काम की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2013-14 में मात्र 812 स्वयं समूह सहायता ग्रुप थे, लेकिन मात्र एक साल में ही इसकी संख्या 2900 कर दी गई। और अब जबकि मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के 8.5 साल पूरे कर चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या बढ़ाकर 57,000 से भी अधिक हो गई है। मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से करीब 5 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उठाए गए इस कदम की आज दुनिया भर में तारीफ हो रही है। एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है, अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहने जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर सामूहिक तौर पर और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। किसी भी परिवार में महिलाओं की भागीदारी अहम होती है।
चाहे परिवार में बच्चों की देखभाल करनी हो, खेत में काम कर पति का साथ देना हो, किसी व्यापार में परिवार का साथ देना हो या फिर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करना हो, महिलाएं कभी किसी पुरुष से पीछे नहीं रही। स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से ऐसी ही महिलाओं का समूह होता है जो अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल कर रोजगार से जुड़ती हैं और अपने साथ दूसरी महिलाओं को भी जोड़ती हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक की जा सके। रोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूँगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक जो पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है, हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ हाथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं। ये कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूँ डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूँगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। हम बैंकों से या किसी भी साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। स्वयं सहायता समूह से संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक पुरानी कहानी सुनाते हुए बताया कि कैसे संगठित होकर पूरे गांव की आर्थिक स्थिति ठीक की जा सकती है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती है। कई बार तो समाज में ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है, वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला, उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया, उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूँ। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ, वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये दो टोकरियां रख दी और रख दी, उनका चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा जिस भी टोकरी पर जाएगा वो टोकरी उसको मिल जाएगी, फलों की है और मिठाई की है, दो अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने एक जोर से शब्द कहा, उन्होंने कहा उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सब ने उसको मिल बांट के लिया। अब मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने?
तब उन्होंने कहा हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा, और उबंतु का मतलब मैं नहीं हम है, नॉट आई वी आर वन। तो इस प्रकार का उनकी एक भावना, कबीले की भावना होते हुए हैरानी हुई उसको। मेरा तो ऐसा भाव है कि हम जो गांव में रहने वाले हमारे परिवार, उनकी महिलाएं अगर ये ठान लें कि हम सब महिलाएं मिलकर के आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय परिवार उत्थान की बात करते हैं, जिसके जरिए गरीबों की आमदनी बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को महीने में हजारों रुपए की आमदनी हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुफ्त में रेवड़ियां बांटे जाने के चलन को लेकर महिलाओं को सचेत करते हुए कहते हैं कि आप मुफ्त के चक्कर में फंसने की बजाय खुद कमाकर स्वाभिमान से जीना सीखें। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गाँव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है, तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं, तो 11 मिलकर के जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें, जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख रुपए की सीमा से ऊपर ले आए, क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक एक महीने की कई कई हजार है, यानी और जो जो उस प्रकार का काम करती हैं बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखनमाजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सिवन कैथल, बधावा, सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें महिलाओं का एक एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपये तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपये साल की आमदन है एक एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे ये जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका व्यवसाय कैसे बढ़े, हमारी बहन माता कैसे उस काम में सहयोगी बने, कैसे उस परिवार को हम आगे बढ़ाएं, उसकी आमदन यदि 1 लाख रुपया साल की है तो उसको 180 तक पहुँचाएं, 180 तक है तो उसको कैसे 3 तक पहुँचाएं, 3 से कम है तो कैसे आगे 6-8 तक पहुँचाएं। लोगों की आमदन बढ़ाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा ये उद्देश्य है। और एक दूसरा भी कभी कभी अभियान चलता है, कुछ लोग मुफ्त बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं, सरकार के नाते शासन के नाते बांटने को हम भी बांट सकते हैं, लेकिन बहनों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस प्रकार के मुफ्त के भरोसे बैठने की बजाय हम अपने काम में हमारे से सहायता अगर अपेक्षा करेंगे तो हम उतनी सहायता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन व्यवसाय के नाते आप काम बढ़ें। जो कमा करके अपने परिवार का काम चलाएगा उसका सीना चौड़ा होगा, उसका माथा ऊपर उठेगा, स्वाभिमान से अपने परिवार को पालेगा। किसी के आगे हाथ फैलाना कतई उचित नहीं है, हाँ फिर भी अगर कोई कमजोर रहता है उस कमजोर की सहायता करना ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने को लेकर सरकार की ओर से काफी मदद की जा रही है। रिवॉल्विंग फंड की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। ये पैसा स्वयं सहायता समूह के गठन के 3 महीने बाद मिलता है। समूह के गठन के 6 महीने बाद सामुदायिक निवेश फंड 1,50,000 रुपए मिलता है। इसी तरह क्रेडिट लिंकेज 10.5 लाख रुपए 3 किश्तों में दिया जाता है। समूह से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित भी किया जाता है। गुरुग्राम के चांदू गांव निवासी पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति की ओर से नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। इन सब कामों के लिए हमारे बैंक्स वो भी सहायता करते हैं, और हमें कितनी प्रकार की जो सहायता होती है तो उसमें मुख्य रूप से जैसे रिवॉल्विंग फंड, ये हमें 10,000 रुपया पहले मिलता था, अब हमने उसको 20,000 रुपया कर दिया है। पिछले कुछ समय में इनका हमने लाभ उठाया है, और जो गठन जब करते हैं उस गठन के 3 महीने के बाद ये पैसा उनको मिल जाता है।
इसी प्रकार से गठन के 6 महीने के बाद सामुदायिक निवेश फंड 1.5 लाख रुपया ये हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये मिलता है। ऐसे ही जो क्रेडिट लिंकेज है, क्रेडिट लिंकेज भी 3 किस्त में हम कुल मिला के 10.5 लाख रुपया ये उनको देते हैं। पहली किस्त 1.5 लाख रुपया, दूसरी किस्त 3 लाख रुपया, तीसरी किस्त 6 लाख रुपया। तो ये राशि उनको इसलिए दी जाती है कि इस राशि का निवेश करके, इसका उपयोग करके हम कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय करें, उस छोटे बड़े व्यवसाय से अपने ग्रुप की आमदन बढ़ाएं, उसमें और आगे बढ़ सकें। इन सब बहनों को, जो अच्छी बहनें जो भी काम करती हैं, इनके साथ बहुत से संगठन, बहुत सी संस्थाएं उनको सम्मानित भी करती हैं, और सम्मानित करते हुए उनका स्थान समाज में बढ़ता भी है। मुझे ध्यान है गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया था। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के ये सब चीजें निश्चित रूप से आती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सी आपको कठिनाइयां भी आती होंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जैसे ही हमारे ध्यान में आता है हम उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बार बार कहता हूं कि महिला शक्ति, इसको कैसे हम अधिकार किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाए, कैसे इनका स्थान ऊंचा हो, कैसे इनकी योजनाएं बनाए, तो ये सब योजनाएं बनाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें ये चिंता न करें, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, हमेशा आपका भाई मनोहर लाल ये आपके साथ खड़ा है। महिलाओं के कौशल को निखारने के लिए प्रदेश भर में कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूह की ओर से बनाए गए उत्पाद के लिए पोर्टल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्पाद को ब्रांड बनाकर पोर्टल के माध्यम से बेचा जाएगा, जिससे समूह को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वयं सहायता समूह के कामों की जमकर सराहना करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में चाहे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष हो या फिर हर घर तिरंगा, हर अभियान में स्वयं सहायता समूह ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इस प्रकार से हमने बहुत से और भी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। पिछले वर्ष भी 22 जुलाई को पंचकुला में स्वप्न आजीविका मार्ट ये जो आयोजन किया गया था, उसमें आपकी कौशल और आपकी दक्षता देखने का मुझे अवसर मिला था। अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें महिला कारीगर और शिल्पकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहाँ एक फूड कॉर्नर भी था, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ बनाए गए थे, हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी, अपने हाथों से बने उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्यौहार हो, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट, उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम अपने उत्पादों का एक पोर्टल के ऊपर प्रदर्शन करें। आज ही मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं कि पोर्टल बनाएं और उस पोर्टल में हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको उनकी जानकारी दें, उसके जो ब्रांड हैं उनके ब्रांड को प्रचलित करें और उसका कोई ना कोई एक हम सर्टिफिकेशन, आखिर उत्पाद की गुणवत्ता इसको सर्टिफाई करना ये बहुत ज़रूरी है ग्राहक के संतुष्टि के लिए। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाई करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट, इसका अपना एक उपयोग है। तो इस प्रकार हम और भी बहुत सी नई नई चीज़ों के अंदर जा सकते हैं। जैसे ये वर्ष इस समय मोटे अनाज का वर्ष है, जिसको हमने नाम दिया है मिलेट ईयर 2023। तो इस वर्ष में मिलेट के उत्पाद इसको बनाने में भी आप कुछ प्रयोग करें ताकि हम उन चीज़ों को बना करके बाजार में ला सकें, स्वादिष्ट व्यंजन बना सकें ताकि लोग उसका आनंद ले सकें। हमने ये भी देखा है कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था जो चल रहा है, इसमें
कई बार अभियान चले हैं घर घर तिरंगा अभियान के, तो जो घर घर तिरंगा अभियान जो पिछले दिनों में चलाया गया था, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कितनी बड़ी मात्रा में झंडे बनाए थे, और वो झंडे तभी यानी लोगों को उपलब्ध हो पाए कि बड़ी मात्रा में बन सके, और हमने सब ने अपने घर पर भी लगाए थे। तो एक वातावरण देश में तिरंगामय वातावरण बनाने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे जब कोविड आया था, कोविड में हमने मास्क बनाने का काम बड़ी मात्रा में किया, तभी हर व्यक्ति के लिए मास्क जितनी जरूरत थी वो उपलब्ध हो पाए। तो ऐसे कोविड जैसी बीमारी से भी लड़ने के लिए जो हमने एक दम दिखाया, साहस दिखाया, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा। मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा उसमें करता हूँ। प्रदेश भर में सरकार ने 144 कैंटीन के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को दी है। 773 महिलाएं बैंक से जुड़कर BCS का काम कर रही हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 149 लाभार्थियों को करीब 5.5 करोड़ रुपए बिना ब्याज के दिए गए हैं। इसी की तरह पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्राम सचिवालय में महिलाओं को बैठने के लिए एक कमरा दिया जाएगा। सिलाई प्रशिक्षण योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, लड़कियों को कच्चा सामान खरीदने के लिए दी जाने वाली 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए किया गया। प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीन भी बांटी जा रही है। हमने प्रदेश में जो हमारी कैंटीन है, चाहे वो अनाज मंडियों में हैं, हमारी शुगर मिल्स में हैं, हमारे लेबर चौक्स पर हैं, उन कैंटीन्स को चलाने के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये काम जिम्मे दिया है। अभी 144 कैंटीन ऐसी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो चला रहे हैं। आखिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5-7 बहनों के परिवार का पालन पोषण हो तो लगभग 700-800 परिवार इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कैंटीन चलाने में ही उनको लाभ होता है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण हो या भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्थान की ट्रेनिंग हो, इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का लाभ लिया गया। अभी 773 महिलाएं ऐसी हैं जो BCS का काम कर रही हैं गांव में, यानी बैंकों से पैसा लेकर के घर घर में जाके उसका वितरण करना, ये हमारी बहनें उसी प्रशिक्षण के कारण से कर रही हैं। अभी जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उनकी आजीविका के जो वैकल्पिक स्रोत होते हैं उसके लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 149 लाभार्थियों को लगभग 5.5 करोड़ रुपया की ब्याज रहित राशि ये भी उपलब्ध कराई है, और ऐसी बहुत सी योजनाएं हम आगे बढ़ा रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। पढ़ी लिखी पंचायतें हमने बनाई, उसमें भी महिलाएं पढ़ लिख करके बहुत आगे आई। ऐसे ही हमने महिलाओं का 50% का जो पंचायतों के अंदर एक प्रतिनिधित्व दिया, वो भी महिलाओं की शक्ति को आगे खूब बढ़ाया है। आज पंचायतों में महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावी भूमिका है। हम गाँव के अंदर कई बार सुनते हैं कि उनके पास, हमारी बहनों के पास बैठने के लिए स्थान नहीं है, उनको कोई मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के लिए मैं कहूँगा कि ग्राम सचिवालय जो गांव में हमने बनाए हैं उनमें एक एक कमरा उनकी बैठक के लिए भी निश्चित कर दें, ताकि साप्ताहिक बैठक करने के लिए उनको स्थान मिल सके। जहाँ ग्राम सचिवालय में जगह नहीं हो तो कोई भी जो हमारा सार्वजनिक स्थान है उन सार्वजनिक स्थानों के ऊपर उनके बैठने की व्यवस्था ये सब कराई जानी चाहिए। तो ऐसे ही महिलाओं के प्रशिक्षण में सिलाई प्रशिक्षण अपने आप में ये भी बहुत बड़ा काम है। इस सिलाई प्रशिक्षण में भी पहले हम प्रतिदिन के लिए उनके खर्च के लिए 150 रुपये की राशि ये देते थे, अब उसको हमने बढ़ा करके मासिक भत्ता उसको बढ़ा करके हमने 300 रुपया किया है, और इस राशि का भी हम अपने प्रशिक्षण में जो हमारा खर्च आता है उसके लिए हम उपयोग कर सकेंगे। ऐसे ही प्रशिक्षण के बाद सिलाई मशीनें बांटने का काम भी हम करते हैं। नवंबर 14 से अब तक 10,000 लाभार्थियों को लगभग 6 करोड़ रुपया ये राशि ये सब मिली है। बजट में भी हमने इस बार महिलाओं के रोजगार के लिए राशि उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम रखा है कि उनके रोजगार के लिए, उनके उद्योग धंधे के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनको भी जोड़ेंगे, ताकि अगर उस राशि का उपयोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से हर प्रकार के काम में योगदान करने के लिए तैयार हैं। मेरा तो कहना है कि सोशल, ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ना मान करके इसको अगर हम कहें कि सोशल हेल्प ग्रुप है तो ये ज़्यादा सार्थक होगा, क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जोड़ करके, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बजाय ये सोशल हेल्प ग्रुप
इसको हम मान करके चलें। प्रदेश में चल रहे कई अभियानों में महिलाओं की अहम भूमिका रही है, इसका जिक्र मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें एक तिहाई महिलाओं को दिया जाएगा। फूड सप्लाई विभाग के जरिए पीडीएस का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी। पंचायत की जमीन या फिर तालाब में मछली पालन का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसे 10% की छूट दी जाएगी। बस स्टैंड की दुकानें अगर ऑनलाइन की बजाय सीधे दी जाती हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25% का आरक्षण होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी सदस्य के परिवार की आय अगर 1,80,000 वार्षिक से ज्यादा होती है तो उसे एक साल तक ना ही उसका राशन कार्ड कटेगा और ना ही आयुष्मान कार्ड कटेगा। मनोहर सरकार का सपना स्वयं सहायता समूह के जरिए गांव से हो रहे पलायन को रोकना, गरीब परिवारों के घर में रोजगार देना और खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाना है ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे मनोहर कदम से महिला स्वावलंबी बनकर अपने परिवार को आर्थिक मदद पहुंचा रही है, जिससे गरीबी का खात्मा होता दिख रहा है विकासशील हरियाणा में। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।